वेलकम स्टूडेंट्स टू न्यू लेक्चर सीरीज ऑन साउंड। यहाँ से अब हम लोग साउंड जो है आपका फिजिक्स जो कि आपका क्लास नाइन्थ का लास्ट चैप्टर है उसके बारे में हम अब स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग का साउंड का सिलेबस क्या है। ये आपको क्लास एट में भी मिला था, क्लास एट में भी साउंड है और वहाँ पर भी आप अच्छे से पढ़े होंगे मुझे उम्मीद है। खैर अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो वहाँ पर मैं बेसिक से सब कुछ ले चलूँगा। वेवलेंथ का अगर दिक्कत है तो उसके बारे में कोई बात नहीं है, सब कुछ मैं बताऊँगा। फिर यहाँ पर सीधा चलते हैं कि साउंड जो कि एक इंपॉर्टेंट हमारे पास एनर्जी है और इसको हम इस क्लास में क्लास नाइन में एक वेव के रूप में देखेंगे कि ये क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसका क्या यूजेज है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ह्यूमन ईयर के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो पहला जो होगा हम लोग पढ़ेंगे और ये नेक्स्ट जो लेक्चर है उसका टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ वेव। जी हाँ, साउंड को पढ़ने से पहले कि साउंड क्या है, थोड़ा मोड़ा तो आप जानते ही है। साउंड कोई ऐसा चीज़ है खास के एनर्जी के रूप में ले सकते हैं, एक डिस्टरबेंस एक वेव के रूप में ले सकते हैं जो कहीं दूसरे जगह से आता है और हमारे कान में आने पे कुछ सुनाई देता है। जैसे मैं भी अभी आपको बोल रहा हूँ तो आपके पास जो जा रहा है, ठीक है, ये भी जो आपके पास जा रहा है वो क्या है, वो एक साउंड है। ठीक, तो इसके बाद थोड़ा मोड़ा तो जानते हैं। तो पहला हम लोग चीज़ सीखेंगे बेसिक्स ऑफ वेव। वेव क्या है, वेव के बेसिक्स, इसके टाइप्स जिसमें हम लोग बात करेंगे, इसके टाइप्स का, डेफिनेशंस का, इसके रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स का जिसमें हम लोग बात करेंगे, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इस सब के बारे में बात करेंगे। और आप नहीं इस सब के बारे में जानते हैं कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर लगभग 50 से 60 मिनट का रहेगा, उसमें हम लोग ये चीज़ कवर करेंगे। यही चीज़ इसमें मेन मोटो रहेगा कि यही कवर करना। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे साउंड के इंट्रोडक्शन की, साउंड के प्रोडक्शन और प्रोपेगेशन की। साउंड के प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन। प्रोडक्शन आप जानते ही होंगे कि प्रोड्यूस जो होता है साउंड वो होता है वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन सब क्या है उसके बारे में यहीं पे हम लोग मोशन में इस वेव में पढ़ेंगे। वेव भी एक तरह का यानी मोशन ही है। वाइब्रेशन, ऑक्सीलेशन, पीरियडिक मोशन, इसके बारे में फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोग बात करेंगे। साउंड प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन सिंपली मीन्स ट्रेवलिंग, साउंड कैसे ट्रेवल करता है इसके बारे में, किस मीडियम में ट्रेवल कर पाता है या नहीं, बिना मीडियम के ट्रेवल कर पाता है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, और स्पीड ऑफ वेव और यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव सिंपली करने का मतलब है वेव एज ए साउंड हम लोग पढ़ेंगे, तो स्पीड ऑफ वेव या साउंड बोल सकते हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड। और इसके अलग अलग फॉर्म जैसे वहाँ पे सोनिक बूम ऐसा वगैरह कुछ हम लोग देखेंगे, लाइटनिंग में जो लाइट पहले आता है साउंड बाद में, इस सब के कारण के बारे में जानेंगे। फोर्थ जो होगा हमारा वो होगा लेक्चर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, जिसमें आप पीच वगैरह सुने होंगे ये सब चीज़ जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ लेक्चर में, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड के करेक्टरिस्टिक्स। और यहीं पर एक छोटा सा और डिस्कशन कर लेंगे म्यूजिक वर्सेस नॉइज, म्यूजिक और नॉइज क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, कभी कभी क्वेश्चन आया था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, तो वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े हुए हैं, यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ेंगे, साउंड का रिफ्लेक्शन। जी हाँ, जैसे लाइट था वैसे ही यहाँ भी है, तो वो चीज़ रिफ्लेक्शन ऑफ हम साउंड में पढ़ेंगे। और यहाँ से एक दो चीज़ इको जो आप सुनते होंगे, कोई चीज़ आप बोलते होंगे कहीं दूर से और वो रिटर्न होकर आता है उसी को इको बोलते हैं, इको के बारे में पढ़ेंगे। एक और इसी से रिलेटेड है रिवर्बरेशन फेनोमेना, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग तरह के साउंड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, यानी अल्ट्रासाउंड उसके हिसाब से जो बांटा गया है, अल्ट्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड, उसके बाद जो एक रेंज है जहाँ से हम लोग सुन पाते हैं 20 Hz to 20 kHz, उसके बारे में जिसको ऑडिबल रेंज बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ऑडिबल रेंज। और देखेंगे इसका एप्लीकेशन, खास के अल्ट्रासोनिक साउंड का क्या क्या एप्लीकेशन है, कौन कौन जानवर या सुन सकता है या निकाल सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहली सेवन्थ लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा ह्यूमन ईयर के बारे में। यही आपको पूरे जो चैप्टर है उसमें यही डिस्कस करना है, यही सिलेबस है हम लोगों का। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से आप स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, बेसिक्स ऑफ वेव, जिसमें हम लोग वेव के बारे में पढ़ेंगे। और उसी तरह से साउंड हमारा चलेगा, और साउंड अभी चल भी रहा है, साउंड स्पीड भी है, उसका क्या स्पीड है, किस हिसाब से चलता है, अलग अलग मीडियम में, ठीक है, चाहे सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, क्या ये दूसरे जगह ट्रेवल कर पाता है या नहीं कर पाता है। आप देखें होंगे सिर्फ ये टॉपिक आपको थोड़ा मोड़ा छोड़ के, अब लोग ये जो है ये सब कुछ हम लोग बात किए ही हुए हैं क्लास एट्थ में, सब कुछ बात किया हूँ। तो क्या इसके बारे में हम लोग फिर से एक बार और मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, सब कुछ लेके जाऊँगा, चिंता नहीं कीजिएगा। अगर आपको नहीं आता होगा सब कुछ मैं एकदम स्क्रैच से शुरू करूँगा। चलिए इसी तरह से देखते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आज ला रहे हैं बेसिक्स ऑफ वेव के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।